लेकिन न्यूज़ में आप तमाम के खैर मकदमे बढ़ते हैं। खबर की जानिब, मुल्क की आज़ादी के 75वें साल मुकम्मिल होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव सारे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, लेकिन रियासत तेलंगाना में बड़े ही बेहतरीन अंदाज में इसे पेश किया जा रहा है। बताया गया कि डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस के सिलसिले में मिनिस्टर केटीआर की जानिब से एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें उन्होंने असल मकसद और असल माने आज़ादी के बताए और रियासत में किए जाने वाले प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के कामों का बेहतरीन तस्किरा किया। आइए आप खुद देखें वीडियो, उन्होंने क्या बयान किया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी कर लें। आलमी मुल्की रियासती मुकामी खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल तेलंगाना दक्कन न्यूज़। आज़ादी एक महोत्सव है, स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व कर तिरंगा लहराना, गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अभिमान से जीना। आजादी एक अभियान है, अंधकार से उजाले की ओर विजय प्रस्थान करना, भूख रहित समाज का निर्माण होना। आजादी एक अमृत है, बूंद बूंद पानी से नदी को पुनर्जीवन देना, कष्ट साधना को खुशहाली में परिवर्तन करना। आजादी एक मधुरता है, मातृत्व को अविस्मरणीय स्मृति बनाना, धन्य स्वास्थ्य को अधिकार के रूप में संरक्षित करना। आजादी एक उत्सव है, श्रमजीवी के चेहरों पर मुस्कान लाना, पिछड़ेपन को दूर हटाना। आजादी एक प्रेरणा है, अंबर को छूने का आत्मविश्वास जगाना, युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना। आजादी का अर्थ है भेदभाव मिटाकर समानता को बल देना, कपट रहित राजनीतिज्ञों का राज्याभिषेक करना, प्रगति की सच्ची भावना के साथ भारत वर्ष के 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है समुज्वल तेलंगाना। सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय तेलंगाना, जय हिंद।